लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से वह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले तीन बार अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले भतीजे तेज प्रताप का टिकट काट कर अखिलेश स्वयं मैदान में उतर गए। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान पार्टियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपने नामांकन पर कहा, मुझे उम्मीद है कि यहां की जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। अब क्या तुम्हें और कोई नई बात बताएं? भैया बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, इसलिए वो प्रेस नहीं करते। अभी प्रेस नहीं की किसी ने? अरे कोई यार, तुम कैसी उलझी बातें कर रहे हो? ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या ना करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो, जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का? क्या लेना देना बताओ कन्नौज से? तो अगर इन्हें देखिए आप, इसीलिए मैंने अपने शुरू में कहा कि जब से ये हारे हैं और हारना शुरू हो गए तब से इनके भाषणों की भाषा बदल गई, और जो रुझान आने लगे हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं, उनकी भाषा से रुझान पता लग रहा है कि पीछे चले गए ये लोग। आप सोचिए समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, आज भी चल रहा होगा, आज भी लैपटॉप किसी गांव में, किसी कस्बे में, शहर में जिस साथी के पास होगा वो चल रहा होगा। चल रहा है, मेरे पास है भैया। देख क्या समझदार आदमी, देख अब इसने मन की बात कही। देखो बीजेपी के मन की बात वाली नहीं, अब संविधान की बात होगी। संविधान ही हमारा संजीवनी है, संविधान ही हमारा अधिकार और मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये इसीलिए जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। बताइए इनके मेरठ के सांसद के प्रत्याशी ने क्या कहा कि संविधान बदलेंगे? अयोध्या के सांसद ने क्या कहा कि हम संविधान बदलेंगे? राजस्थान से एक सांसद ने कहा, आपके कर्नाटक से एक ने कहा, और इनके मन में है। ये जो मन की बात करते हैं, ये मनमर्जी करते हैं अपनी। ये मन की बात करने वाले, मनमर्जी वाले लोगों को इस बार जनता सबक सिखाने जा रही है। भैया आखिरी सवाल।